बाबू आपका बहुत बहुत स्वागत है कौशल इन क्लासेस में। और आज मैं बहुत ही अच्छा काम करने जा रहा हूँ अपनी जिंदगी में पहली बार, क्योंकि अभी तक हम जितना भी वीडियो अपलोड किए हैं ना, सब में कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, और आज हम पहली बार क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। और हमने चैप्टर को सेलेक्ट किया है लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th का, और सिर्फ 5 क्वेश्चन। वैसे टॉप 10 क्वेश्चन थे, लेकिन सिर्फ मैंने 5 सेलेक्ट किया। इस 5 के बाद अगर आप बताते हो, बोलते हो कि सर वो भी 5 करा दीजिए, तो बाकी मैं 5 करा दूंगा। अभी 5 से काम चलाइए आप, ठीक है। ये हमारे टॉप 5 क्वेश्चन में आता है पहला क्वेश्चन, समझ गए ना सर? देखिए ये बोल क्या रहा बेटा, ये कह ये रहा है कि देखो ये कह रहा है कि ये जो OS है ना, देखो POS और SOQ ये दोनों तो लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर आप जानते होंगे कुछ इस तरीके का होता, ऐसे होता, ये होता लीनियर पेयर। अच्छा, इन्होंने कहा इसका एक बीच से हमने एंगल, मतलब बोले तो ये बीच बराबर बराबर में बांट दिया। अच्छा, इधर भी बराबर बराबर में बांट दिया, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो इसको मैं हटाता हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो अगर इसको मैं x मान लूं, इसको मैं x मान लूं, इसको मैं y मान लूं, इसको मैं y मान लूं, तो सर ये सब मिला के तो है लीनियर पेयर। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स सौ अस्सी, क्या नाम देंगे लीनियर पेयर, क्या नाम देंगे लीनियर पेयर। क्या मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 180। तो क्या ये मैं 2 कॉमन लेकर के x प्लस वाई को मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो आपका आंसर होगा जी वाई नॉट सर। ये देखो x प्लस वाई इक्वल टू इधू जाके यहाँ डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 90। इन्होंने कहा था कि हाई आर ओ टी को 90 प्रूव कर दीजिए, तो हमने क्या लिखा कि x प्लस वाई ये हमारा 90 हो गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम आपको दिखाते हैं कौन सा दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा है ना सर, ये पहला और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, ये जल्दी जल्दी आप समझिए, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है और दना दन लगाते रहिए। 5 क्वेश्चन बाबू सुनो, ये तो चुटकी वाला क्वेश्चन है। हम आपको ऐसे बताएं, कभी भी अगर ऐसा एंगल दिया हो, हाई 3x हो, हाई 2x हो, तो बिना देरी किए 3x प्लस 2x जोड़िए और बराबर लिखिए 180। ये 5x बराबर 180, तो इस तरीके से x का मान आ जाता है 180 बटे 5। समझ में आ गया ना? अब मैं करने वाला क्या हूं, इन्होंने ये बोला था कि फाइंड सी, तो बबुआ एक बात बताओ, ये तो 90 निकल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, 90 निकल गया। ये कितना है, ये 90 है कि नहीं है? अच्छा, 90 में भी ए 2 है तो बी 3 है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे 2x प्लस 3x इक्वल टू 90। तो यहां क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा 90, x इक्वल टू हो जाएगा 90 अपॉन 5, 18 पचे 90, 18 डिग्री हो जाएगा x की वैल्यू। और a है 2 और b है 3, तो जो a की वैल्यू हो जाएगी 18 दुना हो जाएगा 36, और जो b हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू 3, 18 3 54। अब ध्यान से सुनिए, ये जो c की बात कर रहा ना, ये देखिए c की जो बात कर रहा ना, इसको दो तरीके से लगा सकते, पूछे कैसे, इन दोनों का वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि पिछवाड़ा जुड़ा है, और अगर बी और सी की बात करें तो ये हमारा बना रहा लीनियर पेयर, तो क्यों ना हम बी प्लस सी को जोड़ करके लिख दें 180। और बी तो आ चुका है 54 डिग्री, बी क्या आ चुका है 54 डिग्री, सी अपने पास है नहीं, यह मैं करूंगा 180 डिग्री, सी इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 54, और कितना बचेगा 126 करा दे रहे हैं, 126 डिग्री, ये 126 डिग्री आ गया। ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 2, और अब हम आगे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जगह। आइए सर चुटकी में लीजिए आंसर, क्योंकि मैथ की पढ़ाई हमसे अच्छा क्या कराए। सुनो ये टफ क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं, इसमें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। भाई ये बोल रहा था
कि जो ये ROS है ना, ये जो ROS है ना, ये QOS जो दे देखो, ये जो QOS है उसमें से POS माइनस करा दीजिए तो उसका हाफ करा दीजिए तो ROS आएगा। तो टेंशन ना लीजिए बबुआ, सुनो, जब ये 90 है तो इधर भी तो 90 होगा। हाँ, तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए एंगल पी ओ क्या है, पी ओ आर है, एक मिनट देखो, एंगल पी ओ आर, देखो पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्या है, क्यू ओ आर, यहां कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा बाबू एक बात सुनो, इस पी ओ आर में दो लोग हैं, पी ओ एस, एस ओ आर या आर ओ एस, ठीक है। तो इस पी ओ आर में दो लोगों का मैं लिख रहा हूं, देखिए मैं लिख रहा हूं पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, क्या लिख रहा हूं, आर ओ एस। इस क्यू ओ आर को देखो, इस क्यू ओ आर को मैं लिख सकता हूं एस ओ क्यू या क्यू ओ एस, मैं लिख सकता हूं एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, क्या लिख सकता हूं, आर ओ एस, ऐसा लिखा जा सकता है। देखो हाई क्यू ओ आर 90 है और क्यू ओ एस में से आर ओ एस घटा दें तो क्यू ओ आर ही ना मिलेगा, 90 ना मिलेगा। बबो देख, हाई माइनस आर ओ एस इधर ले आओ, तो यहां पहले से आर ओ एस है और एक आर ओ एस और आ जाएगा और अपने पास यहाँ क्यू ओ एस है, क्यू ओ एस है और ये पी ओ एस जाके यहाँ घटेगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब बबुआ सुनो, आर ओ एस कितना हो जाएगा, टू एंगल आर ओ एस, यहाँ आ जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब ये टू जाके वहां डिवाइड करेगा, हाई देखो टू जाके वहां डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा भैया, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस बनेगा हाफ, हाई ब्रैकेट लगाइए, एंगल क्यू ओ एस, देखो क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, समझ में आ गया। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन था सर, चुटकी में लीजिए मेरा अगला। ये देखिए सर, बहुत पूछा जाता है ये, कसम आपकी, सॉरी कसम मैं आपकी नहीं खा रहा हूं, मैं कसम से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता, लगाने का सा तरीका अच्छा। देखिए हाई बीच से तो पहले इनको फड़वा दीजिए, फायदा क्या है, हम इसका को इंटीरियर निकाल लेंगे बाबू, समझ में रहा, हम इससे इसका लीनियर पेयर निकाल लेंगे और इस लीनियर पेयर से इसका को इंटीरियर निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है ना, बस आंसर आ जाएगा। तो चुटकी में हम लोग यहां एक्स लिख लेते हैं और यहाँ वाई लिख लेते हैं और यहाँ पे जेड लिख लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूँ एक्स प्लस 135 इक्वल टू 180 तो जवाब क्या है, को इंटीरियर, क्या लिखेंगे, को इंटीरियर। तो बबुआ सुनो, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 135, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू आ गई 45, मतलब हम यहाँ 45 पहुंच चुके हैं। हम 40 का लीनियर पेयर निकालेंगे y, तो दूसरा स्टेप होगा y प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 40 इक्वल टू 140 डिग्री, देखो y आ गया 140। अच्छा बाबू सुनो, 140 का ये z क्या होगा, को इंटीरियर। और एक बात बताएं, जब भी कहीं जेड बनाए, देखिए ऐसे ऐसे देखो, ये जेड बना रहा, ये देखो ऐसे जेड बना रहा, तो बबुआ जब ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा, दो तरीका था। अब यहां देखो वाई 40 वाई 140 आ गया, हम क्या करेंगे, वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 करेंगे और वाई की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, 140 प्लस लिखूंगा जेड, यहां आ जाएगा 180, जेड की वैल्यू आ जाएगी 40, दो तरीका था। ऑल्टरनेट इंटीरियर भी कर सकते थे, यहां से को इंटीरियर भी निकाल ले आप, ठीक है। अब जेड प्लस एक्स, ध्यान से सुनेगा, अपने पास क्या है, जेड प्लस एक्स वो वैल्यू है जो एक्स एम वाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले से निकाले थे 45, बाद में निकाले 40, तो हम लिखेंगे 45 प्लस 40, इन दोनों का हम बोल देंगे कितना, 85 डिग्री,
कितना 85 डिग्री, ये संभव है भी क्या? हाँ हो सकता है। तो यहां क्या आ जाएगा, ये 85 डिग्री, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 4। एक बार फिर से देख लीजिए सर, 40 का लीनियर पेयर भी निकाल सकते हो आप, नहीं निकाल सकते हो तो 40 का ऑल्टरनेट इंटीरियर निकाल लीजिए, यहां 40 आ जाएगा, 135 का को इंटीरियर आएगा 45, और 45 में 40 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 25। यही है सही जवाब, और अब आप जीत चुके हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। सर देखिए भैया, इसको मैं दो तरीके से लगा दूंगा। पहला तरीका हमारा यह है, आई पहला तरीका हमारा है कि हम इधर से एक लाइन ड्रॉ कर लें, बहुत इजी है सर। ये देखिए 110 का को इंटीरियर कितना आएगा, 70 आएगा कि नहीं? 130 का को इंटीरियर क्या आएगा सर, 50 आएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? और हम इसको मान लेंगे एक्स, थोड़ा लगा के दिखा देते हैं। देखो 110 यहां आप एक्स ले, वाई ले लीजिए, यहां आप जेड लीजिए, तो मैंने फर्जी पहले से लिख दिया, आप ऐसे लिखेगा नहीं, एक को नंबर मिले उलेगा नहीं। वाई प्लस 110, वाई प्लस 110, 180, प्यार से लिखिएगा सर जी, इसको को इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है, इसको को इंटीरियर बोलते हैं। अच्छा तो ये वाई की औकात आ जाएगी 180 माइनस 110, ये आ जाएगा 70, ये वाई की औकात आ गई 70। हम जेड की भी औकात निकाल लें, तो देखो बबुआ Z प्लस 130 बनाता है को इंटीरियर, और को इंटीरियर की औकात हमेशा होती है 180। अच्छा तो यहां Z की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 आ जाएगा 50। देखो बाबू ये 70 आ गया, ये 50 आ गया, लेकिन ये हैं तो सब लीनियर पेयर ना, तो आप क्या करोगे, 70 प्लस एक्स प्लस 50 इक्वल टू 180 करोगे आप। अच्छा 7 5 12 120 आ गया, 120 प्लस एक्स आपको मिलाएगा 180 से, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60। ये तो ये तरीका था। कुछ बड़े महारथी जो बड़े मैथमेटिशियन वो कहेंगे नहीं बाबू आप ऐसा करो ऐसा कर लो, काहे? देखो 130 है तो आप 130 पहुंच जाइएगा, इस 110 है तो इसका लीनियर पेयर 70 आ जाएगा, 130 से यहां 50 आ जाएगा, तो लॉ ऑफ ट्राइंगल लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन लगाया, बाकी 5 अगर आपको चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर उन 5 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बताइए।